ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, जिस राग आदि मिटे उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और वैसा आचरण सम्यक चाहे। जीव क्रोधाधिक दुर्भावों से रहित होकर उत्तम समाधि भाव को कैसे धारण करे, उस उद्देश्य चौथी लाइन में बताए और उपाय ये बताए। महाहर्ष से पूजा करता क्षमामयी परमात्मा, हमारे भगवान कैसे भगवान मिले अपन, देखो तो अच्छा आर्किटेक्ट मिल जाता तो अपन निश्चिंत होते, महल अच्छा बन जाए, अच्छा मार्गदर्शक गाइड हो, डॉक्टरेट करना अच्छा गाइड मिल जाए तो उसके डॉक्टरेट अच्छे से हो जाए, अच्छा डॉक्टर मिले तो निश्चिंत रहे, दिशा दर्शक अच्छा, ऐसे हमारे भगवान हमें कैसे मिले, कितना गर्व होना चाहिए। सारे जगत के भगवान और अपने भगवान को देख लगेगा कि नहीं सारे जगत के भगवान, अरे अपराधी वह भगवान, वो भगवान काय का है, भगवान तो इन्हें कहते, किन्हें कहते हैं कि जो हमें भगवान देखते हैं और इनकी दिव्य ध्वनि में हमारी प्रभुता बताई जाती है, हमें भगवान देखा जाता है, बताया जाता है, और भगवान बनने की विधि निधि सब इनके पास अपन को। युद्ध विजय करके आए थे ना राम सीता को वापस ला, सबको सब कुछ बांटा, हनुमान जी को कुछ नहीं, तो सीता को भी समझ में आता सबसे ज्यादा पूछ रही स्त्री की तो इनको तो कुछ देने चाहिए, कि इनको कुछ नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, इन्हें किसी की जरूरत ना पड़े ये भावना रख, इनको कुछ नहीं देंगे। इतना निकट था हनुमान का जी, तो सीता जी ने फिर भी उनको
अपना गले का हार निकाल के अरे हमसे नीच देखा जा रहा है। इतना पवित्र जी बहुत उपकार किया। तो वो हनुमान जी एक एक मोती में देखते थे श्री राम कहाँ श्री राम कहाँ श्री राम कहाँ। जिस मोती में राम नहीं वो किस काम का मोती। ऐसा हमारा धर्म कि देव के पास आए बाबू जी और वो हमें देव ना बताए वो देव नहीं हो सके। जिनवाणी को पढ़े जिनवाणी आत्मा ना बताए स्वतंत्रता ना बताए हमें प्रसन्न ना करे हमें वो वाणी वाणी नहीं लगती। भगवान की वाणी तो वो नीतरागता की पोषक ही वाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार निरंतर हमको जो हमारी वाणी कैसी होती जो स्वावलंबन बताए स्वतंत्रता बताए प्रभुता बताए नीतरागता प्रकट कराने की विधि और कला बताए उसको जनवाणी के हमारे गुरु कैसे होते कि जो हमारी गुरुता बताते। हम गुरु बने रहे हैं तुम शिष्य बने रहो। हमारे भगवान को हमारे गुरु को पसंद। समझ जी ने पूछा बड़े पंडित जी हिसाब पंडित जी कि अपन भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते तो आशीर्वाद क्यों नहीं दी। तो पंडित जी ने कहा बेटा एक भगवान दूसरे भगवान को हाथ जोड़े देखना पसंद नहीं। हमारे भगवान सबको भगवान देख के समझ में आया क्या कह रहे हैं कि ये धर्म बहुत उत्कृष्ट है। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु इसमें पारमेश्वरी व्यवस्था बताई जाती वस्तु व्यवस्था और मति व्यवस्थित करना उद्देश्य। जेल में भी स्वामी जी ने सबसे कहा कि तुम कैदी नहीं हो तुम आत्मा हो। तुम्हारा अपराध करना स्वभाव नहीं है तुम्हारा जानना देखना स्वभाव है। कैसा व्यक्ति होगा वो जेल में भी ये भाषा बोलू ये तुम्हें जेल दिखती हमें जीव दिखती। तुम स्वभाव को देखते बोलते हो स्वभाव को देख के बोलते द्रव्य दृष्टि से देखना सिखाया गुरुदेव देव ने शास्त्र ने गुरु अपन ने अभी तब पढ़ा। इसका अर्थ ये हमारे भगवान ऐसे मिले संजय भी है कितना गर्व होना चाहिए। 99% बुखार तो भगवान को देख के उतर जाना। अच्छा डॉक्टर मिल जाता तो निश्चिंत हो जाता भाई। हम अपनी बहू को ले गए इंदौर में कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं करा उन्होंने कहा चिटिंग करती है इसे घूमने दो। बच्चों के नाम में गए तो लोग कहीं चौथती है भैया वो वहां मत छीन लेगी पैसा भगा दो। और वो बोले भैया जैन साहब तुम यहाँ आ गए ना अब हमारी जिम्मेदारी है ये हमारी बहू है हमारी बेटी हम देखेंगे चाहे अमेरिका से डॉक्टर बुलवाना चाहे बॉम्बे से बुलवाना हमारी जिम्मेदारी। ऐसे बहू जी अपन आ गए ना तीन लोग के नाक के सर अब हमें क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध क्यों नहीं आ सकता कि क्रोध करने का कारण ही नहीं देखे। हमारे भगवान क्रोध नहीं मिटाते हैं क्रोध के कारण ही को मिटा दो। एक कल्याण मंदिर स्त्रोत में है हे भगवान हमने आपकी 10 दिन तक मन से वचन से काय से खूब पूजा की अब आपकी कृपा हो तो हमें अच्छा मन वचन काय मिलेंगे परंतु रिजल्ट में ये आया कि वो असर ही नहीं हो। उनसे पूछा कि भगवान जी क्या करते हो अच्छा मन वचन काय देने चाहिए ना कि बड़े पुरुष झंझट नहीं मिटाते हैं झंझट का कारण ही खत्म कर दी न रहेगा बांस न बजेगी बांस। ऐसे हमारे भगवान है पर कहते भगवान हमें गुस्सा आती है बहुत गुस्सा आती है हमें बहुत गुस्सा आती है। ऐसे कितने लोग भक्त प्रणामी में आचार्य देव कहते तुझे गुस्सा आई नहीं सकता गुस्सा आती नहीं है तुझे गुस्सा का ज्ञान होने लगे तेरा ज्ञान खड़ा हो गया जागृत होने। जिनको गुस्सा आती भी नहीं कहते कि हमें गुस्सा आती और तुझे ज्ञान हो गया है इसलिए पता चलने लगा कि ये गुस्सा आती आती अब तेरी गुस्सा जाने का काल आ गया। बटन बंद हो गई अब पंखा बंद हो जाएगा थोड़ी देर क्योंकि इसमें जड़ में पानी अब नहीं जाए। अज्ञान से मैं क्रोधी हूं लगता था डॉक्टर साहब अब ज्ञान होने पर ये लगता है कि देखो क्रोध ऐसे आते थे बिना मतलब के आते। ऐसे हमारी भगवान क्षमा की मूर्ति हमारी मुनिराज क्षमा सागर हमारी मुनिराज ज्ञान के सागर भंडार भरा जिन्हें देखते ही सब दुख विसर जाता बाबू।
जो अरंत भगत मन आने सूजन विषय के साथ मंदिर में आओ तो सब खिलखिल अपने आप दरवाजे के बाहर ले जाती जूतों की। भगवान को माँ गर्व होना चाहिए कि हमारे भगवान ऐसे भगवान मिले जो अपने में मगन रहते हैं। इनकी रोम रोम से भी इतराक्षा टपकती शांति पड़ने वाला चाहिए। तो महार्ष से पूजा करता, देखो पूजन करने में भी कैसा उल्लास होना चाहिए। मनोरंग चिंता मणि लगे, ऐसा लगे कि दरिद्री को कोई चिंता मणि प्राप्त मिल गया हो, ऐसे तो भगवान के मिले अपन को मिले। बने है कैसे क्षमा की मूर्ति परमा। अब देखो ये तो हो गया नियम। अब नियम सार क्या है कि जब तुम खुद ऐसा देखोगे क्या सचमुच में क्षमा मूर्ति तो आत्मा, इसके बल से दशा प्रकट हुई तो तुम्हें भगवान का दर्शन भी सार्थक। दर्पण देखने के बाद निशंक ना हो तो उसने दर्पण कहाँ देखा। चिदानंद है ना वो अपने हाथ ही था। तो बड़े पंडित जी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कि भगवान के दर्शन। कहा कि दर्पण में किसके दर्शन करते, कि अपने करते, और मंदिर में भगवान के करते। ऐसा नहीं बोलो, अपने दर्शन के लिए जा रहे भगवान के पास। लक्ष्य तो सही बनाओ, आत्मा की याद तो करो कि हम इसे भूल करके चतुर्गति में भटक। तो भगवान को देख के भगवान होने का मन ना हो, ध्यान लगाने का मन ना हो, शांत होने का मन ना हो, तो समझ लो भगवान कहाँ दिखे। इतना अच्छा पर्व इस वर्ष का पर्व तो कुछ अलौकिक रह गया। ऐसा लगता था जैसे बड़े पंडित जी के छोटे पंडित जी आ गए। ये ऐसे पंडित जी को भेजा बड़े पंडित जी ने। सचमुच में 10 दिन तक 11 दिन तक ऐसा लगे ही नहीं कि हमें बड़े पंडित जी से हम दूर। जो हमें बार बार आत्मा पहली लाइन में आत्मा दिखाते, बहुत निर्भर करने वाले प्रवचन, बहुत मंगलमय प्रवचन। इस वर्ष का पर्व तो सबसे अच्छा पर्व संजय भी है, इसलिए पहले के खराब ऐसा नहीं कह रहे कि अपना और निरंतर विशुद्धता का काल पक रहा है, परिणाम खिल रहे, अच्छा शासन लग रहा है, हम पर और स्वभाव के निकट पहुंचते जा रहे हैं, इसलिए पर भी अपन को सुहाने लगे। जैसे हमारे भगवान क्षमा की मूर्ति और अंतर्मुख हो करू भावना। देखो ये पूजा तो पढ़ते है, ये तुम्हारा विशुद्धि का काल पक। बड़े पंडित जी ने एक बार पूछा, बताओ जनवाणी सुनने से विशुद्धता आती है कि विशुद्धता से जनवाणी सुनी जाए। तो कोई देखेगा जब पढ़ेंगे जब ही तो विशुद्धता आएगी। अरे विशुद्ध परिणामों वाला स्वाध्याय करेगा, और स्वाध्याय करेगा तो विशुद्धता आएगी बढ़ेगी। बिना विशुद्धि के जनवाणी सुन नहीं सकते। ऐसे ही बिना क्षमा स्वभावी आत्मा को जाने, बिना ज्ञाता देखे बिना, अकर्ता भगवान जाने बिना, क्रोधाधिक का बीज कम नहीं हो सकता। सार मिटाने का उपाय अज्ञान मिटाना। युगल जी बाबू कहते थे बुखार आने का काल है, बुखार आएगा तो बुखार नहीं मिटा तो कोई दवा लेता हो बुखार मिट जाता। ऐसे ही अपन को क्रोधाधिक नहीं मिटाना है। ये होते क्यों कि हम अपने को भी पर्याय से देखते हैं और सामने वाले को भी पर्याय, और हम अपने को भी आत्मा देखे सामने वाले को भी आत्मा देखे, फिर क्रोध करेगा कौन। ऐसा अंतर्मुखी होकर के निरंतर यही भावना रहे, क्षमा स्वभाव ही अपना आत्मा है। क्षमा स्वभाव है कैसे पता चलेगा अपने बीरन भी कि देखो जैसे उष्णता जल का स्वभाव नहीं है, पता कैसे चलता है कि वो व्यय हुए ऑटोमेटिक बिना मेहनत ठंडापन आता नेचुरल। ऐसे ही कसाय ज्यादा देर ठहरती जीव नहीं है। मान लिया मुझे तो गुस्सा, मेरा गुस्सेल स्वभाव, अरे स्वभाव गुस्सेल नहीं। पंडित जी बोले बताओ सिंह का स्वभाव क्या है। बोले क्रूरता उसका स्वभाव नहीं है, ज्ञाता दुष्टा उसका स्वभाव। ऐसा देखो कभी शेर को शेर देखा होता तो दीवान अमरचंद पिंजरे में नहीं घुसता। उसने जीव देखा था तब इतना निशंक। सीता ने आग देखी होती तो कूदती नहीं, वो शीर स्वभाव देखती थी तब कूद गई। उसे चित्त में ही बड़ा, मेरे चित्त में कभी किसी ने स्थान ही नहीं लिया, मुझे क्या कर डर।
तो वो सीलवती स्त्री सील को देखती देखती कूद गई, उसे लगे नहीं कि यहाँ आ गई। ऐसे ही जीव इस मोक्ष मार्ग के अखाड़े में कैसे कूदेगा जब मेरा स्वभाव ही कसाय करना। मेरा स्वभाव तो ऐसा है जैसे हमारे भगवान जीवन में क्षमा प्रकट हो जाएगी, जैसा शुद्धात्मा का अनुभव हो तृप्ति वहीं से प्रकट होती है। रोदादि दुर्गाओं की सब संतति जो अपन को बहुत बड़ा काम लगता था, वो तो कहते हैं कि अब मुनि राजा से कहो कि घर चल रहे वापस, अरे किसी देव से कहो कि चलो जबलपुर चल रहे आप यहाँ आ गए, किसी बहन से कहो जो विदेशीत में बैठी है कि स्वर्ग में बैठी है कि अकेल तुम चैत्य आल, क्योंकि वो इतनी प्रसिद्ध परिणामों से देह छोड़ा। ऐसा तो अपन ने पहला केस सुना कि जिसे इतना बड़ा ज्ञान रोग हो और उसने देव दर्शन को धर्म को मुख किया हो, पहला जबलपुर का उदाहरण है। गजब का जीव साहसी जीव है और वो आ गया भगवान के बिना नहीं जाएंगे, पानी यानी और डॉक्टर डॉक्टर तो सब मिलते रहते, बेटा मैं तो भगवान से मिला। और हाथ जोड़े जोड़े वो मूर्छित हो गई यानी अपने में गुप्त हो गई, और थोड़ी देर बाद ये देह विलय हो जाए देह का कोई ठीक हमारा कितनी सीख की देव की दी जो पंडित साहब 11 दिन तक सिखाते थे, उसने प्रैक्टिकल सिखाया। जहाँ दे अपनी नहीं देखो ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें थोड़ा धक्का लगना चाहिए, ये जीव बहुत ढीर जीव जन्मता है इस काल का, उसे ऐसा प्रयोग करके प्रकृति सिखाती है कि देखो शरीर पड़ा है कि नहीं, तुम नहीं मानते तो ना मानो, पर अटल सत्य विश्व का ये है कि शरीर किसी का ना हुआ है ना होगा, ना अपना नहीं लायक है, ना इसमें कोई चेतना है, ना अपना जाति का ना अंश का। एक भजन सुनाती है जिसमें दसों धर्म की चर्चा है, पंडित साहब की तो एक गंभीर चर्चा भाई साहब से सुना तो अच्छा लगता है। अभी हम एक लास्ट ईयर भी सुनाया था, फिर भी अभी सुनाने का मन, इसमें दसों धर्म की चर्चा है। पर्यूषण आते हैं उत्साह जगाते हैं, पर्यूषण आते हैं उत्साह जगाते हैं, क्रोधादि विभावों से ये हमें बचाते हैं, क्रोधादि विभावों से ये हमें बचाते हैं, पर्यूषण आते उत्साह जगाते हैं। कैसे आते हैं अभी दृष्टि हो जिनवर सी, वृत्ति हो मुनिवर सी, कहीं बैर विरोध न हो, वो क्षमा पाप से प्रभु सी, मनोमालिन धुल जाए बासल जगाते हैं, यूसने आते उत्साह जगाते हैं। अनुभव सावधान, ये परिसर पर जैसा प्रेम एक बॉम्बे में एक परिवार ने दिया, टोकर सी वही परिवार, उन्होंने नौकरों को जब काम पे लगाया तो ऐसी क्षमा वाणी में ऐसी छाती से लगाए, कहाँ वो बकरे की बलि देगा नेपाल का, हर साल जाता था दशहरा, और उसे ऐसा प्रेम दिया, बेटा तुम जैन जैन मत देखना, ये शरीर अपना नहीं है, खून अपना नहीं है, तुम तो जियो, नौकर नहीं देखा उसको, मैं मालिक नहीं हूं, तुम नौकर नहीं, तुम इस घर के अंग हो। इतना प्रेम दिया बाबू जी, वो भूल गया कि ये बकरा खराबी कोई चीज कैसे जैनी, इतने शुद्ध इतने सरल, और जैन धर्म पालने लगा। और जब हमें लेने आता हलो भाई वो क्या कहते, पंडित साहब आपके प्रवचन सुने, कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये भगवान की वाणी में आए मर में सूत्र हैं शांति के, देखो मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, गाड़ी चलती है क्रियागति शक्ति से पंडित जी, देखो मैं चाहता था कि इस तरफ से चले, देखो पंडित जी यहाँ भीड़ है ना, और इस तरफ से जाना इसलिए जा रही है, मेरे चलाने से नहीं चलती। वो एक व्यक्ति जरा सा जैनियों का प्रेम पा करके उसका जीवन बदल, समझ में आ गया बात क्या है, पशु भी हृदय बदल जाता पशु का,
तो हाथ तो फेरो। जीवेंद्र कुमार ने उसे गोदी में लिया था उस कुत्ते, ये कुत्ता उत्ता नहीं जीव है, प्रणवो कारवां जैसे हाथ फेर फेर के सुनाया था। वो इतना पिटा था, इतना पिटा था, हवन की धूप खाली थी उसने, तो वो उस पिटाई गली तो मरने जैसी हालत में। और नमोकार मंत्र प्रेम से सुना बाबू जी, नमोकार मंत्र वो क्या जाने, देव की पर्याय बहुत जेनी बनी है। देव पर्याय की बात नहीं कर रहे, वो जेनी बनी। उसके चित्त से बताओ जैन धर्म कैसे होता। मिथ्या अभिमान न हो, धन से पहचान न हो, मिथ्या अभिमान न हो, धन से पहचान न हो, रोकन के भाव बिका अब झूठी शान न हो, जीव नैवंत प्राणी वे ही तेरे पाते, माधव धर्म के धारी मुनि के गुण गाते, पर्यूषण आते वैराग जगाते, पर्यूषण आते उत्साह जगाते, चल कपट मुनि राज रहे बन में, आडंबर नहीं तन में, चल कपट सल चूड़ी बिचरे निज चेतन में, तेरे अंश गति दुख से ये हमें बचाते, पर्यूषण आते राग जगाते, आज धर्म के धारी गुरु शीश झुकाते, पर्यूषण आते राग जगाते, मुक्ति का लोभ भी जब नहीं मुक्ति दिलाता है, संतोषी प्राणी ही सुखिया दिखलाता है, कब मुनि दीक्षा ले लूं निष्प्रही बनाते, पर्यूषण आते वैराग जगाते, सत्य घोष झूठ बोला दुर्गति में दुख पाया, बसु राजा नरक गया मारी ची भर माया, सत्यार्थ धर्म धारी सीधा लय पाते, पर्यूषण आते राग जगाते, संस्कार बिना सुविधा जी पतन कराती है, जो ब्रेक बिना गाड़ी दुर्घटना दात्री है, सुरपति संयम है तू झोली फैलाते, पर्यूषण आते जगाते, इच्छा निरोध तप में तू आनंद आता है, आशा तृष्णा गड्ढा किसका भर पाता है, मुनि शैल शिखर तपते तपते तिर जाते, पर्यूषण आते जगाते, सारा जग जैनों के त्यागों के गीत गाते, विचार दान देते मंगल जीवन जीते, वे मुनिवर कब मिले, वे मुनिवर कब मिले,
आके आकिंचन धर्म धनी मुनिराज रहे बन में परमाणु मात्र परिग्रह नहीं जिनके जीवन में स्वाधीन सहज जीवन आनंद मनाते करयूषण आते वैराग्य जगाते दस धर्मों में ब्रह्मचर्य तो सार बताया है ये डिग्री उपाधि नहीं जिन धर्म समाया है जो सील पालते हैं देव भक्ति रचाते पर्युषण आते राग जगाते ये पर्व राज आया अब जाने मत देना। दस दिनों में मनाएंगे तो उनकी तो चली जाएंगे, जिनकी जीवन में ये बात बैठ जाएगी उनकी तो बात बात में ख्याल आएगी। आत्मा तो अच्छा है, आत्मा तो परम है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो जन्म जरा मरण से है थे, आत्मा तो आठ कर्मों से है थे, मैं तो सदा शुद्ध चिन्मात्र परम ज्योति स्वरूप सदा ही एक हूँ। धारण विधारण से इस मोह से बचने की विधि बताई। अब तो मुदित हो जाओ ऐसा पर्व ले जाना सा। ये पर्व राज आया अब जाने मत देना। बोलो ये पर्व राज आया अब जाने मत देना। आराधन चेतन की करना भव दितना। आराधन चेतन करना भगवंत अनंत हमें भगवंत अनंत हमें दिन रात बुलाते हैं आते राग जगाते शिवपुरी से रत्न आए शिवपुर में चलना है। शिवपुरी से रत्न आए शिवपुर में चलना है। नियम सार हृदय भावे नियम सार में ढलना है। नियम सार हृदय भावे नियम सारे में ढलना है। जिन शासन गौरव की ये कथा सुनाते हैं पर्युषण आते उत्साह जगाते हैं। पर्युषण आते राग जगाते। इसे पर्व का नाम है विश्व मैत्री दिवस। आज सारी जीवों के प्रति जीनी के कलेजा ऐसा है जो कुंतु को जीव को भी जीव देखता है भगवान देख सकता है। दुष्ट से दुष्ट पापी से पापी अरे अभव्य जीव ही भगवान आत्मा है। कसाई भी भगवान आत्मा है। हमारा पाकिस्तान में एक भी विरोधी नहीं है। हमारा विश्व में एक भी शत्रु नहीं है। ऐसी पवित्रता की बात पवित्र जैसे हमारे मुनिराज कहते हैं गुरुदेव कहते हैं सब ज्ञानी जन कहते हैं। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देख लिया हो कि भाई क्षमा कर। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि गाली का गोली का जवाब गाली से भी है। सुखी रहे सब जीव जगत की कोई कमी ना। अरे मां वीर
अभी हम सीमा बने का कार्यक्रम नहीं बस करेंगे।